if anyone is having any doubt in the lecture, you can ask. Otherwise, question number four, part four that we were doing in the last that we answered. This is your exercise 3.5. Question number four, part we were discussing yesterday, that we will discuss once again. If any doubt from the previous questions, then you can. मैं एक बार फोर्थ पढ़ दोबारा करा देना पूरा ये करवा रही हूँ बच्चे दिस आई विल डिस्कस ओके आफ्टर दिस यू आर टू इफ एनी डाउट विल बी देयर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट फोर इन दिस प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे प्लेसेस दो हमें गिवन है ए एंड बी और उनका जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन 100 किलोमीटर अपार्ट तो हमने ये प्लेसेस ए एंड बी अज्यूम कर लिए इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर उसके बाद वो कह रहा है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट एक कार ए से मूव करेगी एक कार बी से मूव करेगी सेम टाइम पे If the cars travel in the same direction, दोनों cars अगर same direction में travel करती हैं, मान लो इस direction में travel कर रही हैं, then same direction at different speeds, then they meet in 5 hours. दोनों cars जो है वो 5 hours के बाद meet करती हैं, यानी कि after 5 hours they meet. Time जो इन दोनों को इकट्ठे होने में लगा, that is 5 hours. This is our case one. उसके बाद इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour फेज टू मुझे गिवन है या कंडीशन टू आई दैट इज गिवन कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दोनों एक दूसरे की तरफ अगर मूव करना शुरू करती हैं दे मीट इन 1 hour अगेन डिस्टेंस सेम है यहाँ पे 100 किलोमीटर सो वी हैव टू फाइंड व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स हमें जो है दोनों कार्स की स्पीड्स जो है वो निकालनी है तो जो चीज हमने निकालनी है उसको हम एज्यूम कर लेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए या एट प्लेस ए इज एक्स किलोमीटर पर आर स्पीड है तो यूनिट एक्स किलोमीटर पर आर ले लोगे And the speed of car at B that is equal to y kilometer per hour. ये हमने इनकी स्पीड से assume कर ली अब हमें देखो फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं टाइम हमें गिवन है 5 hours कि 5 hours के बाद जो है दोनों मीट कर रही है डिस्टेंस हमें गिवन है 100 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस गिवन है स्पीड कार ए की हमने एक्स मानी है स्पीड ऑफ कार बी हमने वाई मानी है रिशित इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन रेज योर हैंड वंस अगेन करणदीप विदाउट वीडियो यू हैव कनेक्टेड हरभजन हरजोबन आपका माइक भी जो है वो ऑफ है सो आई विल नॉट अनम्यूट जस्ट यू कैन लोअर योर हैंड Later on, when I will unmute, then you can ask your doubts. जो बच्चा वीडियो ऑन नहीं करेगा आई विल नॉट अनम्यूट दैट चाइल्ड एंड वीडियो ऑन करने के बाद भी स्पेसिफिकली यू आर टू फोकस ऑन योर फेस देन ओनली यू विल बी अनम्यूटेड सो दोबारा से सुन लो इफ देयर विल बी एनी डाउट फॉर यू देन इट विल बी क्लियर हमें जो है क्वेश्चन में गिवन है वी आर हैविंग टू कार्स वन एट ए एंड वन एट प्लेस बी ये दोनों कार्स का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 100 किलोमीटर फर्स्ट
है वो हमारी ए से चलना शुरू करती है, जो हमारी सेकंड कार है वो बी से चलना शुरू करती है, और फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है कि दे बोथ ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. कार ए अगर इधर चल रही है तो बी भी इधर चलेगी, कार ए अगर इधर जा रही है तो बी भी इधर जाएगी. तो अकॉर्डिंगली हमारी जो इक्वेशंस हैं वो बनेंगी. अब मैंने लिया कि ये दोनों इस साइड पे जा रही हैं, कि ए पीछे से चल रही है, बी आगे से चल रही है. तो दोनों कार्स जो है वो आफ्टर 5 आवर्स मीट करेंगी. दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 100 किलोमीटर. स्पीड्स हमने इनकी मान ली एक्स किलोमीटर एंड वाई किलोमीटर. अब आपने ध्यान रखना है, जब दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो उस टाइम पे जो दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस होगा दैट विल बी 100 किलोमीटर. जब दोनों कार्स, मान लो एक इस पॉइंट से चली, एक इस पॉइंट से चली, ये दोनों कार्स जो है कब मीट करेंगी, जब ये 100 किलोमीटर का जो दोनों का डिफरेंस था वो कवर अप हो जाएगा. तो अगर इसका जो है डिस्टेंस, इसने कार ए ने हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस हमें पता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड 5, स्पीड एक्स है, टाइम 5 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए 5x हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी जो है वो 5 हो जाएगा. अब ये ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5x, बी ने ट्रेवल किया 5y, और इस पॉइंट पे दोनों इकट्ठे जो है आफ्टर 5, जब ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी कि ये डिस्टेंस जो था ये 100 किलोमीटर वाला इनका कवर हो गया. तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी दैट विल बी, इफ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, देन 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. जो कार आपकी पीछे है, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो आपने उस वाले की जो डिस्टेंस है वो पहले लिखना है, दूसरे वाले का डिस्टेंस बाद में लिखना है. एक तरह से अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में बात करो तो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5x, ये वाला, बी ने ट्रेवल किया 5y, और जितना इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ऑलरेडी उनमें कितने का डिफरेंस था, 100 किलोमीटर का. तो वो 100 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो मेंटेन्ड रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं माइनस किया है. अब कंडीशन 2 पे आएंगे हम. कंडीशन 2 में सेम लेके चलेंगे हम. टाइम हमें दोनों का गिवन है 1 आवर, कि 1 आवर के बाद वो मीट कर रहे हैं. डिस्टेंस सेम है 100 किलोमीटर. स्पीड्स अगेन दे आर सेम, ए की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है वाई आवर. अब यहाँ पे इफ कार्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये भी सेम रहेगा डिस्टेंस, नहीं यहाँ ये चेंज हो जाएगा क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है. टाइम मुझे गिवन है 1 आवर, स्पीड मुझे गिवन है एक्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक्स हो जाएगा ये आपका. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी दैट विल बी, अब कार्स आर ट्रेवलिंग इन द, कार्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर. अब देखो कार ए यहां से चल रही है, कार बी यहां से चल रही है. कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई. तो इनका जो ये सम टोटल बनेगा एक्स और वाई का, वो हमें कितना गिवन है 100. तो जब वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही हैं तो उनके डिस्टेंसेस को हम प्लस करेंगे. When they are moving in the same direction, तो distances आप माइनस करोगे. जो कार पीछे थी जिस डायरेक्शन में, यानी कि वो जा रहे हैं, जो कार पीछे थी उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले लोगे, जो कार आगे थी उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाद में लोगे. तो ये डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस 100 रहेगा. यहाँ पे क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो वो 100 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करेंगे. ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो दोनों ने 100 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, उससे ज्यादा नहीं करेंगे. तो टोटल यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. आगे सिंप्लीफाई आपको करना आता है यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बोथ इक्वेशंस यू विल सिंप्लीफाई एंड देन यू विल गेट योर आंसर. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4. बस मेन इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है, वेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंस लेना है डिस्टेंसेस का. When they are moving in the moving towards each other, then आपने उनके जो distances traveled हैं उनका
नंबर फोर पार्ट फाइव, ये भी हम क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट फाइव है ये आपका। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. एक रेक्टेंगल हमें गिवन है, उसका एरिया जो है वो 9 square unit कम हो जाता है अगर हम उसके लेंथ को 5 units रिड्यूस करते हैं और ब्रेथ को 3 units इंक्रीज करते हैं। अब देखो मुझे नहीं पता कि जो रेक्टेंगल गिवन है उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है, तो पहले मैं वो एज्यूम कर लेती हूँ। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो ओरिजिनल वाली थी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसका एरिया इतना कम या ज्यादा हो जाता है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स यूनिट्स, क्योंकि मुझे नहीं पता मीटर है सेंटीमीटर है तो हम इसको यूनिट्स में ले लेंगे, एंड जो ब्रेथ है या विड्थ आल्सो यू कैन राइट डाउन वाई यूनिट्स। लेंथ एक्स है ब्रेथ वाई है तो एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज एक्स वाई। अब कंडीशन वन हम लिखते हैं, कंडीशन वन में वो क्या कह रहे हैं कि जो एरिया है दैट रिड्यूसेस बाय 9 units। एरिया अभी मेरे पास क्या है एक्स वाई, दिस reduces by 9, तो एरिया में से मैंने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कब हो रहा है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 units, लेंथ कितनी है x, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 units एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 units, तो ये मेरी कंडीशन वन बन रही है। दोबारा देखो इसको, मुझे उसने कहा कि एक रेक्टेंगल है उसका एरिया 9 square units कम हो जाता है अगर हम उसकी लेंथ को 5 units और कम करें और ब्रेथ को 3 units इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता ही नहीं था कि कौन से रेक्टेंगल की बात हो रही है, क्या उसकी डायमेंशंस गिवन है, तो हमने पहले एक रेक्टेंगल एज्यूम की जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमने एज्यूम, तो एरिया जो है इसका हमारे पास वो आ गया एक्स वाई। अब उसने कहा कि अगर इसकी लेंथ को 5 units हम रिड्यूस कर दे और ब्रेथ को 3 units हम इंक्रीज कर, तो एरिया जो है वो 9 square units कम हो जाते हैं। अब अगेन यहाँ पे सेम कंसेप्ट हमने लगाया है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ 5 units कम कर रहे थे तो -5 कर दिया ओरिजिनल लेंथ में से, ब्रेथ जो है वो 3 units इंक्रीज कर रहे थे तो ओरिजिनल ब्रेथ में हमने 3 units इंक्रीज के लिए प्लस कर दिया। एरिया क्या हुआ, दैट इज डिक्रीज्ड बाय 9 square units, डिक्रीज हो रहा है तो हमने माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई ओपन करके एक इक्वेशन, तो ब्रैकेट्स यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई, आई एम डायरेक्टली डूइंग दिस। पहले ये एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई इक्वल टू के दोनों ऑपोजिट साइड पे थे विद सेम साइन तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिए। अब मेरी ये इन जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, 3x माइनस 5y माइनस 9 मैं इधर ले आऊंगी तो माइनस 15 प्लस 9 यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं सेकेंड बनाऊंगी, सेकेंड में वो मुझे क्या कह रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 units, पहले एक्स थी मैंने इसको 3 units इंक्रीज कर दिया एंड ब्रेथ बाय 2 units, ब्रेथ के आगे कुछ वर्ड नहीं है तो हम पिछले वाला ही लेके चलेंगे, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 units एंड इंक्रीज द ब्रेथ बाय 2 units यानी कि दोनों को हम इंक्रीज कर, अब क्योंकि लेंथ भी हमने इंक्रीज की है ब्रेथ भी हमने इंक्रीज की है तो एरिया जो है दैट विल आल्सो बी इंक्रीज। एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय 67 square units। एरिया एक्स वाई था पहले, कितना इंक्रीज हो रहा है, 67 square units, तो अब इट मींस हमारी जो सेकंड कंडीशन बनेगी दैट विल बी लेंथ हो गई एक्स प्लस 3
ब्रेथ हो गई y प्लस टू और एरिया कितना है x y प्लस 67. अगेन इसको ओपन कर लो, x y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6. पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया. दिस इज इक्वल टू x y प्लस 67. x y इक्वल टू के ऑपोजिट साइन साइड्स पे विद सेम साइन, तो इट विल गेट कैंसल. वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू जीरो. प्लस 6 था इधर, ये 67 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 67 इज माइनस 61. ये दो इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो. दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. लास्ट में अगेन ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में भी और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने x और y एज्यूम किए हैं, तो आंसर x y की टर्म्स में नहीं छोड़ना है आपका. इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा, यू विल राइट डाउन कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू जो आपकी x की वैल्यू आई है, दैट विल बी 17 यूनिट्स, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y जब आप सिंप्लीफाई करोगे इनको, तो दैट विल बी 9 यूनिट्स. सॉल्यूशन जो है आगे का, दैट यू विल डू योरसेल्फ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से प्रैक्टिस करना, अदरवाइज इन एग्जाम यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स, बट ये हमारी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज थी, तो आप उसी की प्रैक्टिस करोगे, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू. अब जो है, दिस वाज आवर एक्सरसाइज 3.5. अब हम एक्सरसाइज 3.6 की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं. एक्सरसाइज 3.6 जो है हमारी, क्वेश्चंस उसके सिंपल हैं, बहुत टफ नहीं है, बट ये करना है कि वो हमें जो है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हमें जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको पहले हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम इनमें से जो भी हमने मेथड्स किए हैं क्रॉस जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल मेथड, उनको यूज करके हम आगे इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. अगर हमें क्वेश्चन में मैंशन नहीं है, बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन में मैंशनड है आपको कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा. कोई और यूज करोगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. नाउ वी आर गोइंग विद एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1. ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट आपके लिए नया है. फर्स्ट इक्वेशन मुझे गिवन है 1/2x + 1/3y इज इक्वल टू 2, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 1/3x + 1/2y. This is equal to 13/6. देखो, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितनी इक्वेशंस की थी उसमें x और y हमारे पास किसी में भी डिनोमिनेटर में नहीं आए थे, तो इस वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होगा, हमारे जो ये वेरिएबल्स हमें गिवन है, दे विल बी इन द डिनोमिनेटर, और हमें उनको रिड्यूस करना है इक्वेशन में, यानी कि हमें इनको somehow जो है ऐसे लेके आना है, इस तरीके से लिखना है कि वो न्यूमिरेटर में आए, जैसे हम अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हैं. अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मेरा कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट 3 है, वेरिएबल y है, कांस्टेंट 3 वेरिएबल x, कांस्टेंट 2 वेरिएबल y. अब सिर्फ x वाले को कंपेयर करो, यहाँ पे कांस्टेंट आपका 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, x दोनों में सेम है और दोनों में डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1/x को u से, क्योंकि कांस्टेंट्स इनके डिफरेंट है, तो कांस्टेंट नहीं लेना आगे आपने, ये ध्यान रखना. हमने सिर्फ क्या करना है, 1/ वेरिएबल को पुट कर लिया. देखो, जब मुझे गिवन होता है 1/2x, तो इसका मतलब क्या है, आई कैन राइट इट डाउन इन दिस वे, 1/2 को जब मैं 1/x से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो आई गेट 1/2x. सेम वे में 1/3x कैसे मुझे मिला, 1/3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1/x से. अब इसमें से दोनों में जो 1/x कॉमन था उसको मैंने u पुट कर लिया. जब इसको मैंने u पुट किया, तो मेरी ये इक्वेशंस जो हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और इधर हम क्या करेंगे सेम वे में, देखो 1/3y था, तो इसको मैं 1/3 इंटू 1/y लिख सकती हूँ. यहाँ पे मेरे पास 1/2y था, तो आई कैन राइट इट डाउन इन as 1/2 into 1/y, 1/2 into 1/x, 1/3 into 1/y, 1/3 into 1/x plus 1/2 into 1/y. Multiply का साइन है, ये ध्यान रखना, बीच में add नहीं लगाना. और इधर अब मैं क्या करूंगी, 1/y दोनों में है, तो put 1/y
इज इक्वल टू वी. मैंने ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग ले लिए, एक यू ले लिया एक वी ले लिया. कई बच्चे जो है लिखते हुए उसमें यू और वी में डिफरेंस नहीं पता लगता, तो बड़े ध्यान से करना है, अदरवाइज आप ए और बी ले लो अगर आपका यू वी सेम लिखा जाता है. अब हमने क्या करना है, रिप्लेसमेंट्स करना. अगेन रिप्लेसमेंट्स ध्यान से देखना. सो इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन ये है, वन बाय टू आपका एज इट इज आ जाएगा, वन बाय एक्स की जगह आ गया यू. जो आपका डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है या न्यूमिरेटर में कांस्टेंट है उनकी पोजीशंस नहीं चेंज करोगे, ये ध्यान रखना. सिर्फ ये जो वन बाय एक्स है इसको मैं रिप्लेस करूंगी यू से, ये वाला हाफ एज इट इज रहेगा. सेम वे में वन बाय थ्री एज इट इज रहेगा, वी ऊपर न्यूमिरेटर में आ जाएगा क्योंकि मैंने वन बाय वाई को वी पुट किया और दिस इज इक्वल टू, इधर कोई चेंज नहीं. देन इक्वेशन टू बिकम्स, क्वेश्चन टू क्या बन जाएगी, वन बाय थ्री यू, वन बाय थ्री एज इट इज लिख लिया, वन बाय एक्स को यू से रिप्लेस किया, प्लस का साइन एज इट इज, हाफ एज इट इज ये वाला, वन बाय वाई, वन बाय वाई मैंने वी पुट कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू 13/6. अब ये मेरे पास आ गया. अब मैं क्या करूंगी, इनको एलसीएम लेके दोनों इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगी. जब मैं एलसीएम लूंगी यहाँ पे मेरा एलसीएम विल बी 6, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3u plus 2v is equal to 2, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे मेरी थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी. 1 और 2 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ तो इसको मैं नेम दे दूंगी 3. यानी कि अगर मुझे एक इक्वेशन को सॉल्व करने एक निकालनी है जिसको मैं अब इधर से मैं अगेन एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 13 बाई, क्योंकि को प्राइम से डिनोमिनेटर वाले आपके, तो 2u plus 3v is equal to 13/6. डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे 6 सिंगल टर्म है, ये पूरे के नीचे होनी चाहिए जब आप कटिंग डायरेक्ट करोगे, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट कर. अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो मेरी ये फोर्थ इक्वेशन मिलती मुझे 2u plus 3v is equal to 12. अब आगे मुझे कोई मेथड मेंशन नहीं है कि मैंने कैसे करना है, तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ ऑल जो फोर मेथड्स हैं. मैं एलिमिनेशन से करवाऊंगी. एलिमिनेशन में यहाँ u का कोफिशिएंट 2 है, तो इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, अभी देख लेते हैं क्या नंबर है, एंड इक्वेशन 4 बाय. देखो 3 में यहाँ पे मेरे पास 3 है और इधर 2 है, तो मैंने आपको क्या कहा था, ऑपोजिट कोफिशिएंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 3 जो है वो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी 4 वाले के. यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ इक्वेशन 3u plus 2v is equal to 12, और ये है मेरी 2u plus 3v is equal to 12. आपको मैंने क्या कहा था, जब हम ये इक्वेशंस ऐसे लिखते हैं देन हम क्या करते हैं, इनको ऑपोजिट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशियंट से. अब देखो यहाँ पे 3 है, इसका ऑपोजिट कोफिशियंट सेकेंड वाले का 2 बनेगा, तो इसको आप इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 3u plus 2v वाली किससे मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, और इक्वेशन 4 किससे मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, एंड इनको हम क्या कर देंगे, क्योंकि साइन दोनों के सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं 6u plus 4v is equal to 24. दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना. एक साइड पे करोगे तो आप खुद से स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ये अब मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 6u. Be quick.
quickly find out one mistake is there. What is that mistake? I can see 1, 2, 3 hands raised. Just a moment. One hand, Jasleen. Jasleen ji, video apni off hai. Okay, Amrit, unmute yourself, bache. Amrit, I have given you the option. Kartik, ek hi video on hai. Just a moment, Kartik. Yes, I mean, ye karna tha. Yes, bache. Aapka mic mute ho gaya tha. I'm 36 par 24 ko add karna tha. Yes. Kyun? Main to subtract kar rahi hu, bache. मैंने एक इक्वेशन 4 दोबारा चेक करो जहां मैंने लिखी है. चेक दैट वंस अगेन. इस साइड पे मैंने वो करेक्ट लिखी है. हम 36 आना था, 13 लिखा आपने. 36 ही लिखा है बच्चे ये मैंने, बट यहां मैंने 12 लिख दिया जबकि यहां क्या था 13 था. ठीक है, यहां पे क्या है 13. सो हियर वी विल बी हैविंग 39 एंड दिस विल बी 15. So V मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 3. Is it okay? एक बार मैं दोबारा ये बता देती हूँ सारा आपको. कार्तिके म्यूट कर लो बच्चे अपने आप को, फिर से सुन लो. मुझे जो है यहाँ पे 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6 given था. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 आउट कर लिया, तो मेरी जो इक्वेशन 1 है 1/2 एज इट इज लिखा जाएगा, 1/x + 1/3 एज इट इज, 1/y की जगह v = 2 आपका एज इट इज. इसको मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगी, मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी. थर्ड मैंने इसलिए नेम दिया बिकॉज 1 and 2 आई हैव ऑलरेडी टेकन. आफ्टर दैट इक्वेशन 2 वी विल put value of 1/x = u and 1/y = v in equation 2. So we will be having this 1/3 as it is. 1/x ke place pe we will write down u, then plus 1/2 as it is. In place of 1/y, we will write down v, then = 13/6 as it is. Again, by taking the LCM, simplifying, you will get your this fourth equation 2u + 3v = 13. Now these two equations you have formed. You can solve these two equations using any of the methods. जितने भी हमने अभी तक ये चार method किए हैं, चारों में से कोई भी method आप लगा के इसको simplify कर लो. I'm using elimination method. तो इनके मैंने जो है cross में multiply कर दिया. यहाँ 2 था तो इधर 2 से multiply कर दिया. यहाँ इसका constant coefficient 3 था तो ये दूसरी वाली equation को मैंने 3 से multiply किया. दोनों को simplify करोगे क्योंकि ये दोनों आपके positive numbers थे जिनको मैंने same बनाया है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट किया, -5v = -15 आ गया, v = 3 आ गया. अब v = 3 किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज 3u = 2, 3 = 6, 12 - 6 आपका 6 आ जाएगा. मैंने डायरेक्ट लिख दिया है u = 2. अब अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि आपने यहाँ पे जो u और v है वो खुद से लिए थे, that was not given to us in the question. So we can't leave our answer in terms of u and v. जो वेरिएबल हर टर्म होगी तो हम क्या करेंगे, u और v को दोबारा से चेंज करेंगे. u क्या है यहाँ पे, that is equal to 1/x. u is 1/x और u की वैल्यू मेरी क्या आई है 2. तो 2 = 1/x. अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x मेरा कितना आ जाएगा, 1/2. x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2. अब y मुझे निकालना है तो y के लिए मुझे v को लेके चलना है. v मुझे कितना गिवन है, 3, और मैंने v को क्या पुट किया है, 1/y. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 3 = 1/y, यानी कि y = 3. तो दोबारा देख लो, v मेरे पास 3 था. v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/y, यानी कि v का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास y आ जाएगा. तो v का रेसिप्रोकल v 3 था, v का रेसिप्रोकल लेना है 1/3 आएगा यहाँ. तो v का रेसिप्रोकल लेके y कितना आ जाएगा, 1/3.
सेम वे में यहाँ x रेसिप्रोकल था u का, तो x क्या आ जाएगा, x को अगर मैं निकालना चाहूँ तो that will be the reciprocal of u. u मेरे पास आया था 2, तो u का जब मैंने reciprocal लिया that is half. तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी हाफ और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3. डोंट फॉरगेट टू गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. जो हम एज्यूम कर रहे हैं u और v वेरिएबल्स हमने एज्यूम किए हैं, इनके टर्म्स में अगर आंसर छोड़ाओगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. सो आई होप द कंसेप्ट, ये जो मेथड है आपको, दैट वन इज क्लियर. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट एंड इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क. किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क. So I hope this one is clear. So I'm moving on to the second part because no one is asking the doubt. So moving on to the second part now. 2 upon root x plus 3 upon root y equal to 2. 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to minus 1. अब यहाँ फिर से ध्यान दो, जो मुझे denominator में given है, denominator में root x और root y given है. तो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिड्यूस दिस इनटू द लीनियर इक्वेशन. ये मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही है बिकॉज़ द डिनोमिनेटर में है वेरिएबल्स मेरे. सो द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, फर्स्ट इक्वेशन जो मुझे गिवन है दैट इज 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4 बाय रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1. अब हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे हमने देखो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसको न्यूमिरेटर में लेके आना है somehow. तो 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट वाई, 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट वाई, इनके आगे कोई कोफिशियंट नहीं है. तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिख देंगे, पुट 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू वी. तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है दिस विल बिकम, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, 1 बाय रूट एक्स को मैंने यू पुट किया है तो ये हो जाएगा 2 यू. प्लस का साइन एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 बाय रूट वाई की जगह वी इक्वल टू 2 एज इट इज. सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 यू माइनस 9 वी इज इक्वल टू माइनस 1. इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4. जो मर्जी मेथड यूज करके दोनों को सिंप्लीफाई कर लो. मैं फिर से एलिमिनेशन यूज कर रही हूं. फोर यू माइनस 9 बाय वी इक्वल टू माइनस 1, 2 यू प्लस 3 वी इज इक्वल टू 2. अब मैं वी वाले जो है उनको सेम बना रही हूँ. यहाँ पे वी आपका 3 है, यहाँ पे माइनस 9 है. अच्छा, इसमें अगर आपको समझ आ जाता है तो 9 जो है वो मल्टीपल है 3 का, यानी कि 3 को अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पे v का जो कॉफिशियंट है वो 9 मिल जाएगा. अगर तो ऐसे समझ आता है आपको तो ऐसे कर लो, अदरवाइज जो आपको मैंने मेथड बताया है कि क्रॉस में लेके चलना है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो. इससे क्या होता है कि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो अगर आपको ऐसे समझ आ जाता है कि यहाँ मेरे पास 3 है, यहाँ 9 है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो उसको आप फिर इस तरीके से कर सकते. इससे क्या होगा कि आपके जो इधर वाली सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी 9 है, इसको जब आप लेके चलोगे ये 9 बन जाएगा. तो इन दोनों इक्वेशंस को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, या आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो. फिलहाल मैं ऐसे कर पा रहा हूँ. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 बाय 9, आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 बाय 3 भी लिख सकते हो एंड इक्वेशन 4 बाय 3. अगर आप यहाँ 3 लिख रहे हो 9 की जगह तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना. एंड अब यहाँ ध्यान दो फिर से,
वी वाला इधर पॉजिटिव है, वी वाला इधर नेगेटिव है, दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, जिन कोफिशियंट्स को मैं सेम कर रही हूँ। जब साइंस डिफरेंट होते हैं तो हम उनको ऐड, ये ध्यान, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तभी वो कैंसिल आउट होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दोबारा उनके साइंस सेम हो जाएंगे। अभी लिख के मैं फिर से बता देती हूँ, 9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 18u 27v इक्वल टू 18, इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 12u माइनस 27v इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहां ध्यान दो, प्लस 27v है, माइनस 27v है, ये दोनों साइंस डिफरेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किया। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमारे जब हमने कोफिशियंट्स सेम बनाए थे तो साइंस भी सेम आ गए थे, तो वो साइंस सेम जब भी होंगे हम उनको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो कैंसिल आउट करने के लिए वहां हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ ऑलरेडी साइंस इनके डिफरेंट है तो मैंने एडिंग वर्ड यूज कर दिया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इक्वेशंस के कोफिशियंट्स जब हम सेम बना लेते हैं, सेम बनाने के बाद अगर साइंस डिफरेंट है तो एडिंग लिखोगे, अगर साइंस सेम है जिनके आपने कोफिशियंट्स को सेम बनाया है तो आप सब्ट्रैक्टिंग लिखोगे। अब साइंस सेम है तो डिफरेंट है तो मैंने एडिंग लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 30u इज इक्वल टू 15, u इज इक्वल टू 15 बाय 30, u आ गया मेरा 1/2, u आ गया, आई कैन फाइंड आउट x ऑल्सो, तो u जो है वो किसको कर रहा था, रिप्रेजेंट 1/√x को, तो 1/√x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल ले लो, 2 इज इक्वल टू रूट एक्स अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बट मुझे जब इसको सॉल्व करना है मुझे रूट एक्स की वैल्यू नहीं देनी, मुझे वेरिएबल की वैल्यू देनी होती है, वेरिएबल एक्स है, उसकी पावर क्या है क्या नहीं वो नहीं हमने लेके चलना होता, तो रूट एक्स की टर्म्स में फिर से आंसर नहीं छोड़ोगे। एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर विदाउट रूट, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। आई होप दिस वन इज क्लियर, एक बार दोबारा से देख लो, इनको सॉल्व किया, u आ गया मेरे पास हाफ, u को मैंने क्या पुट किया था 1/√x, तो मैंने 1/√x को u से रिप्लेस कर दिया, हाफ से रिप्लेस कर दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 1s are 2, √x 1s are √x। अब आंसर मुझे अगेन रूट की टर्म्स में नहीं छोड़ना है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ली, जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो मेरे पास ये चीज आई। तो हमने ये किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, रूट के नीचे कोई भी नंबर और जब आप उसका स्क्वायर लेते हो तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गई, 4। अब एक्स मेरे पास आ गया, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट वाई, फॉर फाइंडिंग आउट वाई पहले मुझे वी निकालना पड़ेगा, सो पुट यू इज इक्वल टू हाफ इन एनी ऑफ दीज इक्वेशंस, मैं 3 में पुट कर रही हूँ, तो 2 इंटू यू प्लस 3 इंटू वी इज इक्वल टू 2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट टू, दिस विल बी 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, v इज इक्वल टू 1/3। सेम वे में जैसे हमने इधर कैलकुलेशंस की थी हम ये वाली करेंगे, v 1/3 है तो v क्या है 1/√y 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इज इक्वल टू रूट वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और रूट वाई का स्क्वायर होगा आपका वाई, सो दिस इज 9 इज इक्वल टू वाई, मेरी वाई की जो वैल्यू है वो आ गई 9, एक्स की जो मेरी वैल्यू है वो आ गई 4।